हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से आए हुए लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपने कम्प्लीट ज़रूर देखना है। रेलवे की तरफ से जो अपडेट आए हैं, दो तरह के अपडेट आए हुए हैं। एक अपडेट के लिए आप में से हर कोई अप्लाई कर सकता है, आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऐसा अपडेट है जिसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और एक अपडेट के लिए आपको फ़ी पे करनी है, एक अपडेट के लिए कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है, विदाउट फ़ी आपको अप्लाई करना है। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लेना है। और एक जॉब अपडेट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और एक के लिए ऑफलाइन करना है। दोनों का वन बाई वन मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाएंगे अपने अकॉर्डिंगली चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रेलवे की तरफ से आई हुई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, दो तरह के अपडेट आए हुए हैं। पहले हम पहला नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, आप इंडिया में किसी भी सिटी, स्टेट, टाउन के रहने वाले हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। काफ़ी सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिलेगा, क्लिक करेंगे न्यू पेज ओपन होगा, लास्ट में इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। पहला लिंक नोटिफिकेशन का, सेकेंड आपको जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। लास्ट में इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया हुआ है, आपको क्या करना है, डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंट आउट निकाल कर आपको क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। जैसे कि आपका नेम मेंशन करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, एज लिमिट आपकी क्या है, फादर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको। लास्ट में आपको सिग्नेचर करके इनके गिवन एड्रेस पे सेंड कर देना है। तो बाहर आपको इनवेल्प में बाहर ये भी लिखना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दो टाइप की वैकेंसी है जो आउट हुई है। तो इसमें अगर सैलरी की बात करें, 25,000 से 37,000 इन हैंड आपकी इसके लिए सैलरी रहने वाली है। और इसके लिए एप्लीकेशन की फ़ी है, अगर आप बिलोंग करते हैं, आप जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी है, 500 एप्लीकेशन फ़ी है। एससी एसटी के लिए 250 एप्लीकेशन की फ़ी रहने वाली है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, दोनों नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम आपका नहीं है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट लगेगी, उसी के बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। सो इसमें अगर हम वैकेंसीज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप की वैकेंसीज है इस वाले नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले जो पोस्ट आउट की गई है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की है, उसके बाद सीनियर टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसीज है। तो इसमें नाम से समझ में आ रहा है, जिन्होंने डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में किया वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर मैं सेकंड नोटिफिकेशन की बात करूँ, उसमें 10th 12th ग्रेजुएट हर कोई अप्लाई कर सकता है, वो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। सो इसके लिए अगर आप एलिजिबल है अप्लाई कर लेना है, लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड जॉब अपडेट के बारे में, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, उसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जरूर से शेयर करना चाहूँगी। सो अनअकैडमी की तरफ से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अनअकैडमी की तरफ से अल्टीमेट स्ट्रेटजी डे रहने वाला है, जो कि 13th मार्च 2022 को मॉर्निंग में 9 बजे से आफ्टरनून 1 PM तक रहने वाला है, जहां पे टॉप एजुकेटर्स के साथ रहने वाला है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लिया तो अशोक सिरोही जी के साथ रहेगा। इसके अलावा किस तरीके से टफ टाइम में आप मोटिवेट कर सकते हैं
है अपने आप को उससे रिलेटेड रहेगा, बाकी अपने अचीव कैसे कर सकते हैं आप अपने गोल उससे रिलेटेड रहेगा, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक या कर सकते हैं कंपिटेटिव एग्जाम के लिए, इसके लिए जरूर से एनरोल कर लेना क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मेरा कोड आप जरूर यूज कर लेना जब आप एनरोल करेंगे, मेरा कोड है तानिया TANYA, लिंक मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके जल्दी से आप एनरोल कर लेना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि रेलवे की तरफ से सेकंड नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन या आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें भी आपका एग्ज़ाम नहीं है, क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली मेरिट लगेगी, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन इसके लिए होने वाली है। अगर जॉब लोकेशन की बात करें इसके लिए भी आपकी एक क्रॉस इंडिया जॉब लोकेशन रहने वाली है, मतलब आप किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के लिए कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व है। पहले मैं आपको यही बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है, सेकंड लिंक डिस्क्रिप्शन में सेम रिक्रूटमेंट का मिलेगा, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा, लास्ट में आप देख पाएंगे रिक्वायर्ड लिंक, पहला नोटिफिकेशन का, सेकंड अप्लाई ऑनलाइन का, क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्रोसीजर है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है, अपनी सारी डिटेल्स फिल करके, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब पास आउट की है, कहां से पास आउट किया, जो जो इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे एज इट इज़ आपको फिल करके सिंपली सबमिट कर देना है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट आपको जरूर से लेकर रख लेना है। इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, 10th 12th ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन ही सिर्फ अप्लाई करना है, क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर जॉब टाइप की बात करें, ये आपकी अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, इसमें अगर आपने 10th या 12th ITI के साथ किया आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया है उसके लिए आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। उसी के ऑपोजिट अगर अप्रेंटिसशिप की बात करें, इसमें एज पर नॉर्म्स आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल है अप्लाई आपको ज़रूर करना है। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।